तो चलो बच्चों, मैं आपको आज सुनाता हूँ लालची लोमड़ी की कहानी। एक गांव में एक बहुत ही लालची लोमड़ी रहा करती थी। एक दिन उस लोमड़ी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, इधर उधर घूम रही थी। भटकना का मतलब घूमना होता है। लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसे गांव में खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो बहुत ही ज़्यादा निराश हुई। निराश अगर बोलूँ तो निराश मतलब उदास होता है। लेकिन उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। वो खाना ढूंढने के लिए शहर की ओर चली गई। शहर में पहुंचकर उसने थोड़ा सा आराम किया एंड उसके बाद अपने काम में फिर से वापस जुट गई। काम बोला जाए तो वो खाने के जुट में फिर से खाना ढूंढने के लिए फिर से निकल गई। शहर में मानो खाने का अकाल पड़ा हुआ था। शहर में वो खाना ढूंढ रही थी लेकिन उसे शहर में खाना बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। वो खाना को ढूंढते ढूंढते एक ढाबे पर पहुंच गई। ढाबे का मतलब होता है जहाँ पे लोग खाना खाते हैं, उसे ढाबा बोलते हैं। वहाँ पे एक आदमी खाना खा रहा था, खाना पका रहा था। उसे वो लोमड़ी देखने लगी और वो आदमी जब लोमड़ी को देखा तो वो व्यक्ति समझ गया कि इस लोमड़ी को जोर से भूख लगी है। उसने टोकरी से एक रोटी निकाली और लोमड़ी को दे दी। लोमड़ी वह रोटी को पाके बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उस रोटी को चाटने लगी। चाटना समझते हो ना, खाना होता है आप चबा चबा के खाते हो, चाटना होता है जीभ से चाटना। कुछ देर तक रोटी को चाटने के बाद लोमड़ी रोटी को मुंह में लेकर एक तालाब के पास पहुंच गई। तालाब जानते हो किसे बोलते हैं, जहाँ पे पानी जमा होता है उसे तालाब बोलते हैं। वो तालाब के पास गई, फिर से वहाँ पे जाके रोटी को चाटने लगी। बहुत देर तक रोटी को चाटने के बाद लोमड़ी को प्यास लग गया। खाना खाने के बाद प्यास लगता है ना, लेकिन चाटने के बाद भी प्यास लगता है। तो वो पानी पीने के लिए तालाब के पास पहुंची। जब वो तालाब के पास पहुंची तो वहाँ पे वो देखी कि नीचे एक और जानवर है, उसके मुंह में भी रोटी है, लेकिन वो उसी का परछाई था। तो लोमड़ी को उसे देख के लालच आ गया। लालच समझते हो ना, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि लालच लालची लोमड़ी थी। तो वो जब भी पानी में एक और लोमड़ी को देखी जो कि उसका खुद का परछाई था, उसे देख के उसे लालच आ गया। तो उसे देख के वो तालाब में कूद पड़ी और वो तालाब में जैसे ही कूदी उसका जो रोटी था मुंह में वो पानी में बह गया। पानी में जब वो बह गया तो उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसका जो भी एक रोटी था वो भी बर्बाद हो गया। तो उस दिन उसका भूखे ही उसको सोना पड़ा। उस दिन उसने कुछ खाया नहीं, उस दिन उसको भूखा ही सोना पड़ा। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर लोमड़ी ने लालच नहीं किया होता तो उस दिन उसको भूखा नहीं सोना होता। उस दिन उसने लालच किया, वो पानी में एक और लोमड़ी को देखी जो खुद का उसका परछाई था। वो सोची दूसरा लोमड़ी है लेकिन वो खुद का उसका परछाई था, जिस वजह से वो लालच करके पानी में कूद गई और उसका रोटी बह गया। तो हमें लालच कभी भी नहीं करना चाहिए।